हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बारे में देखेंगे, जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। आज हम इसमें बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि इसमें बीएससी नर्सिंग की सीट्स कितनी हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे लिया जाए, टोटल फीस कितनी है, कैटेगरी वाइज सीट कितनी है, हॉस्टल की सुविधा है कि नहीं है। संपूर्ण जानकारी हम इस एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग कमेंट करिए कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, और ये भी कमेंट करिए कि गोरखपुर से कितने लोग हैं। तो देखिए, इसका पूरा नाम क्या है जो नर्सिंग के लिए चलता है, कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीआरडी मेडिकल कॉलेज। तो ये गोरखपुर में स्थित है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और को एजुकेशन, को एजुकेशन का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल कोई भी इससे कोर्स कर सकता है। देखिए, अगर बीएससी नर्सिंग के सीट्स की बात करें, नंबर ऑफ सीट्स की, तो इसमें बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स हैं वो टोटल 40 सीट्स हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की टोटल 40 सीट्स हैं। और कैटेगरी वाइज सीट्स की बात करें, तो देखिए कैटेगरी वाइज सीट की अगर बात करें, तो ओबीसी कैंडिडेट के, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 11 सीट है, जनरल के लिए 16 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, एससी कैंडिडेट के लिए 8 सीट है, और एसटी के लिए 1 सीट है। टोटल जो है 40 सीटें हैं। तो कैटेगरी वाइज इसी तरह सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। अगर बात करें एडमिशन कैसे लें इसमें, तो एडमिशन कैसे लें, एडमिशन के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो कराया जाता है, तो अब 2024 का आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो आप उस एग्ज़ाम के जरिए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए, कितने स्कोर होने चाहिए, ये सभी अभी इस वीडियो में देखा जाएगा। तो देखिए, अगर इसके टोटल कोर्स फीस की बात करें, तो 1,26,000 है। देखिए, और कोर्स फीस की बात करते हैं, तो पहले कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, अगर ओबीसी कैंडिडेट इसमें एडमिशन लेने चाहते हैं, तो उनका 123 प्लस स्कोर होना चाहिए, जनरल के लिए 126 प्लस स्कोर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 121, और एससी के लिए 117 या 115 नंबर भी हो सकता है, तो एडमिशन मिल जाएगा। और एसटी के लिए आपको आपका 110 नंबर होगा तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें देखिए, एससी की मात्र एक सीट है, एससी की मात्र एक सीट है। तो अगर देखिए, अब इसका फीस स्ट्रक्चर, टोटल फीस मैंने आपको बताया कि 4 ईयर की टोटल फीस 1,26,000 है। अगर टोटल ट्यूशन फीस की बात करें, एक साल की फीस, ट्यूशन फीस आपकी 12,000 है, ट्रांसपोर्ट फीस 2,000 है। देखिए, जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होती है। उसके बाद नॉन एसी चार्ज इसमें आपका 2400 लगेगा, लाइब्रेरी फ़ीस आपकी ईयरली 2000 लगेगी, ईयरली मिसलेनियस फीस आपका 4000 लगेगा। उसके बाद टोटल 1 ईयर का फीस 40,090, मतलब ये गलत टाइप हो गया है, 40,900 रुपये आपका टोटल फीस लगेगा एक साल का। उसके बाद आपसे अदर जो है सिक्योरिटी फ़ीस 10,000 ली जाएगी, जो आपका 4 ईयर के बाद, 4 ईयर के कोर्स कंप्लीट होने के बाद, 4 ईयर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा ये फीस। तो देखिए, टोटल फीस कितनी है, टोटल जो है 1,26,000 है, और फर्स्ट ईयर की फीस 40,900 रुपये है। तो 40,900 रुपये है। तो अगर देखिए इसमें कोर्स की बात करें, तो बीएससी नर्सिंग की सीट कितनी है, ये अभी चीज़ें देख ही लिया गया। इसमें चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अलका सक्सेना चेयरमैन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये देखिए, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो प्रिंसिपल नेम आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन्स नेम ये भी देख सकते हैं। इसका एड्रेस जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैंपस गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये देखिए, इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है ईमेल के जरिए। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस की जो है 40 सीट्स हैं। अप्रूवल कब मिला, ये अप्रूवल 2022 से हैं, 2022 से ये कोर्स चल रहा है। उसके बाद देखिए, इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी कुछ हैं, पैरामेडिकल के कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, 2022 से चल रहा है। डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन की 30 सीटें 2022 से चल रहा है। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, 22 से चल रहा है। उसी तरह डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की देख लीजिए आप, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की 100 सीटें हैं, 1988 से चल रहा है, देखिए काफ़ी पुराना कॉलेज है। डिप्लोमा इन नियोनेटल केयर टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक
असिस्टेंट की 30 सीटें हैं, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, डिप्लोमा इन रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन की 10 सीटें हैं और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की आप देख लीजिए कि 38 सीटें हैं, जो कि 1987 से चल रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज अच्छा है कि नहीं, इज बीआरडी अ गुड मेडिकल कॉलेज। देखिए लिखा गया है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर कॉलेज फॉर द मेडिकल इन यूपी ईस्ट एज वेल एज इंडिया टू और इंडिया में भी। इट हैज़ वेरी गुड क्लासरूम एंड वेरी गुड लैब्स, द क्लास स्ट्रेंथ इज अराउंड 60 स्टूडेंट पर बैच एंड हैज़ ऑलमोस्ट गुड एंड नीट एंड क्लीन हॉस्टल्स। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो देखिए इसके एफिलिएशन की बात करें तो देखिए इसका नाम क्या है, बाबा राघव दास, बीआरडी का पूरा नाम है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो एफिलिएशन की बात करें, देखिए एक यूनिवर्सिटी से इसको संबद्ध होना पड़ता है, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उसके बाद ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से भी अप्रूवल है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अप्रूवल है, उसके बाद आप देख लीजिए ये INC से भी इसका अप्रूवल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, उसके बाद ABBMU से भी अप्रूवल है, ABBMU से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी इसका अप्रूवल है। उसके बाद देखिए ये कुछ नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ़ोन के जरिए या किसी भी जरिए। तो देखिए ये सब दिए गए हैं, प्रोफेसर कौन से हैं, कुलपति कौन है जिसको चांसलर कहते हैं, उसके बाद कुल सचिव वाइस चांसलर ये सब दिए गए हैं, तो इनका प्रोफाइल भी दिया गया है। ये देखिए कुछ इमेज हमने आपके लिए इकट्ठा किया है, एनाटॉमी एग्जीबिशन, डेप्थ ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो ये सब चीज़ें देखिए। उसके बाद आई बैंक है, इनॉग्रेट एट बीआरडी मेडिकल कॉलेज, तो पैथोलॉजी है, पेडेट्रिक्स है, रिपब्लिक डे की कुछ इमेजेज हैं। तो ये देखिए ये कॉलेज का पूरा इमेज है, ये देखिए लिखा गया है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो इसके बारे में देखिए ये इसका लोगो है। तो ये सब चीज़ें थी इसके बारे में, और बात करें इसके देखिए कट ऑफ की, जो मैंने बताई ये कट ऑफ जो है थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये कट ऑफ BSc नर्सिंग के लिए थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और ये फीस 2023 की फ़ीस है, ये फीसें 2023 की फ़ीस है, इससे देखिए फीस जो है बढ़ने की चांस नहीं है, अगर बढ़ेगा भी तो जो 1,26,000 है वो 1,13,000 हो जाएगा, बस यही 4,000 का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए यही सब चीज़ें हैं, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके बाद आप गोरखपुर के हैं या किस ज़िले के हैं ये भी कमेंट करना अनिवार्य है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो के साथ चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।